किसान नेता राकेश टिकैत के आंसुओं के बाद जहां देश भर का किसान उनके साथ उठ खड़ा हुआ है, वहीं तीन कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन को तेज धारदार बनाए जाने के लिए अब जगह जगह किसान महापंचायतों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज मथुरा के बलदेव स्थित अवेरनी में एक किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें जहाँ हजारों किसानों ने भाग लिया, वहीं बड़ी संख्या में लोकदल के नेता भी यहाँ मौजूद रहे। वहीं इसमें भाग लेने आए भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश चौहान ने जहां भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला, वहीं पीएम मोदी के ऊपर भी जमकर हमला बोला। देश का किसान आदरणीय राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में और हमारे जो संयुक्त मोर्चा किसान मोर्चा है उसके नेतृत्व में किसान की लड़ाई लड़ रहा है, बड़ी मजबूती के साथ लड़ेगा। बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, लड़ेंगे जीतेंगे। का नंबर तो आया नहीं प्रधानमंत्री जी के यहाँ से, इस नंबर पे हम कॉल करें, हम तैयार हैं, प्रधानमंत्री जी से बात करने के लिए तैयार है। क्या लगता है प्रधानमंत्री जी कॉल का नंबर तो दे। दिक्कत यहाँ आ रही है, इसी वार्ता के पहले लाइन नहीं खींची जाती, इसी वार्ता के पहले वार्ता की जाती है, ना कि पहले बता दिया जाता है कि हम इस बिंदु तक जाएंगे। कहते हो जो हमारे कृषि, आपने सुना होगा उन्होंने कहा कि हमारे कृषि मंत्री ने जो बात रखी है उसका किसान स्वागत करे और हमसे बात करे, हम एक काल की दूरी में, न तो आज तक काल का नंबर दिया गया और एक लाइन खींच दी गई। जब हमने बता दिया कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं और MSP, आप बताओ, आप सब किसान हो, 900 रुपये का धान 1868 की कीमत सरकार की और उत्तर प्रदेश में 900 रुपये 1000 रुपये कुंटल किसानों का धान खरीदा गया, गन्ना हमारा भाव पे 00 लिख के आ रहा है। हमारी मांग है, टिकैत साहब की मांग है, उत्तर प्रदेश से देश के किसान की मांग है कि 450 रुपये कुंटल भाव तुरंत तय करके और जो रेट में 00 लिख के आ रहा है 00 खत्म करके वहाँ किसानों के भाव को दिया जाए। हम लोग सजग हैं, हम लोगों ने हमेशा हाईवे जाम किया, सड़कें जाम की, वो भाजपा का प्रायोजित कार्यक्रम था। एक सवाल आपके माध्यम से मैं करना चाहता हूँ, आपकी TV, आपके चैनल और पुलिस का CCTV कैमरा, पुलिस की वीडियो क्लिपिंग में इनसे सवाल करो आप कि दीप सिंधु किस बैरिकेडिंग को तोड़कर दिल्ली प्रवेश किया, पहले से उसे वहाँ लाल किले के अंदर बैठा दिया गया था, कुछ सिख भेष में लोगों को बैठा दिया गया था और दीप सिंधु की एक भी विजुअल आपके TV में, दिल्ली पुलिस के कैमरों में अगर कोई बैरियर तोड़ता दीप सिंधु दिखता हो तो हम बतावे, हमें वो भाजपा का आदमी है, भाजपा ने प्रायोजित सरकार के द्वारा उसे पोल पे चढ़ने दिया गया, क्यों ताकत का इस्तेमाल नहीं किया गया, क्यों आंसू गैस का इस्तेमाल नहीं किया गया, क्यों रबर की गोलियां नहीं चलाई गई, एक बैरिकेडिंग तोड़ते हुए दीप सिंधु कैसे लाल किला पे पहुंच गया, वहां तो वो लाल किला में पहले से मौजूद था, सरकार पहले से उसे बैठा के रखी थी क्योंकि किसान आंदोलन बदनाम हो और किसानों के खिलाफ हमें कार्रवाई करने का मौका मिले और उसकी प्रतिक्रिया 28 तारीख को आपको सबको देखने को मिली कि राकेश टिकैत के साथ जो इन लोगों ने इनकी हत्या करने का प्रयास किया, उन्हें इनकी मुंह तोड़ के इनका जवाब देगा देश का किसान, किसान बेवकूफ नहीं, सब समझ रहा किसान एकता।